जामिया डिपार्टमेंट पहुंच गए हैं अपने मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, बस ये देखना है कि फीस वाला कहाँ से, स्लिप कहाँ से मिलेगी। जामिया आए हुए हैं, स्लिप उन्होंने मिस कर दी मेरी। जामिया का डिपार्टमेंट मशहूर है, बंद है ये आए हुए हैं, बंद है डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंस, बंद है डिपार्टमेंट। तो अभी ऐसे हालात हैं कि ब्लॉग बंद है। ये एक दो सोर्स मिल गए हमें, वो क्या कहते हैं, रिजल्ट तो जहाँ से लेना है वो दरवाज़ा तो बंद है, यानी वो कहीं गए हैं, शायद नमाज़ पढ़ने गए हैं। और फीस स्लिप जैसे कि मैंने बताया वो मिस हो गई है मेरी, इसका मतलब आने का रीज़न तो ऐसा कह नहीं सकते, चलो आ ही गए कैंपस इस बहाने। हाँ सही है, अब थोड़ा घूम लेते हैं थोड़ा सा, अब क्या करेंगे हैं। चलो भाई, सब लोग तो वैसे घूम ही लिए हैं। ये हम लोगों के इदरीस कुरैशी सर मैथ्स पढ़ाते हैं फुल स्पीड में, पीडीएफ स्क्रॉल करते हैं अच्छे से स्क्रॉल करते हैं इदरीस कुरैशी। इनका एमएससी इन्होंने दो जनरेशन को पढ़ाया है, बता रहे थे पीएचडी मैथ्स, और कौन है चौधरी वाली। ऐसा है कि रिजल्ट इधर रखे हैं पर यहाँ की ताला बंद है, ठीक है, आज बंद है तो यानी हम नहीं ले पाएंगे। मसूद साहब चले गए कहीं, एक मसूद साहब रिजल्ट लेने आए, एक मसूद साहब गायब हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो घूमते हैं। तो इस वक्त ऐसा है कि कोई प्रोफेसर नहीं है, वरना मिल लेते। चलिए अब हम थोड़ा बाहर चलते हैं, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घूमते हैं थोड़ा। ये थी हम लोगों की फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब चलिए जरा, प्लेन, जेट, एरोडायनेमिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किस सेमेस्टर में है, फिफ्थ में एरोनॉटिकल। वाह, अंदर पता नहीं क्या क्या सिस्टम्स होंगे, बढ़िया है कैंपस, एकदम ग्रीन है, बहुत बढ़िया। तो ये कैंपस है हम लोगों का भी। हाँ, इस साइड में क्या है, इस साइड कोई पार्क है, वो क्या है, वो जो नहीं उधर ऑडिट, ये है सेंटर फॉर फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज, फिजियोथेरेपी, ये तो उसमें पढ़ा था मैंने, क्या कहते हैं, हेल्थ एजुकेशन में, फिजिकल हेल्थ एजुकेशन। दीन दयाल उपाध्याय कुशाल केंद्र, ये क्या है, हेल्थ सेंटर है, नहीं वो मेडिकल का नहीं, कुशल केंद्र पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता, जूम करके देखा जाए तो लिखा है कुशल केंद्र ही लिखा है। अपना कैंटीन वगैरह देखो, कैंटीन, हाँ कैंटीन तो देख लिया, सामने में बंद पड़ा है, पर वहाँ जाके नहीं गया अंदर। गेट नंबर 1 किधर है, हाँ इधर 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 है। बढ़िया कैंपस है हम लोगों का, बस यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही, बाकी सब कुछ दुनिया में चल रहा है, बाकी सब मूवीज भी देख रहे हैं, नो वे होम भी देखी जा रही है। आर्किटेक्चर एंड एकेस्टेटिक्स, रैगिंग इज इक्वल टू आउट एक्सपल्शन, रैगिंग इधर मैंने फेमस है जामिया की, एक बार बढ़िया मैंने सुना है रैगिंग हुई थी, अब तो रैगिंग पे केस है सीधा, ये रहा ये कैंटीन है, ये बेकरी है, बेकरी है ये बेकरी, और सामने है हम लोगों का कैंटीन है, और ये हाँ ये भी ये आ गई लाइब्रेरी, यहाँ हम पढ़ा करते थे, और वाली लाइब्रेरी कहाँ जहाँ तोड़फोड़ हुई थी, वो तो शायद हाँ उधर वाले में, किधर है, शायद उधर वाले में रोड के साइड पे, अच्छा उस साइड में। हाँ तो भैया ये तो ज्यादा फेस सेफ लग रही है मुझे, है जब भी पढ़ना हो तो इधर ही पढ़ेंगे, जब भी पढ़ना हो इधर ही पढ़ा जाएगा। डीन्स ऑफिस, अभी इसके अंदर गए थे हम लोग, अंदर सब डीन साहब बैठे हैं, डीन साहब बैठे हैं अभी अंदर, डीन वो वाले हैं, अंदर चलते चलो, अलाउड है, मैं गया था इसके अंदर नहीं, वो ऑफिस के बाद। हाँ चलो अंदर डीन्स ऑफिस,
तो सरों से भी पहचान हो गई। इधर कुछ है, डीन किधर बैठते हैं? ये डीन का ऑफिस है, इधर बैठे हुए हैं। डीन है अंदर? कहाँ है? है अंदर? अच्छा चलो भैया, डीन भी बैठे हैं। चलो भैया कर चुका बहुत सारे। चल गेट नंबर 3 पे चलो, अब यहाँ से नहीं है, शायद हो सकता है कुछ और हो। गेट नंबर 4 पे जाता ना? हाँ वो अंदर है हॉस्टल। यहाँ से गेट नंबर 4 पे जाता है? गेट नंबर 4। अच्छा दे, इधर 3 नजर आ रहा है। ये 3 है, इसका इसको कंप्लीट कर दे। अच्छा और 4 4 है। अच्छा वहाँ से आगे वो बैंक वगैरह है। हाँ हाँ, तो बैंक का काम होता है जमा करेगा। हाँ दुकान वगैरह, और ये अभी वहाँ पे कुछ सामान सब खाने पीने वगैरह का जॉब करने का आगे मिलता है। हाँ वो डरी क्या।